सो हेज यो सेवन आर्मी कैसे हो सारे आ गया मैं फिर से एक और ब्रांड की वीडियो लेके तो गाइस वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया आज की वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है क्योंकि मैं बेसिकली गेम प्ले एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो डालता हूँ पर आज मैं डालने वाला हूँ फाइव फिंगर क्लॉ के बारे में गाइज आपके सामने जो गेम प्ले चल रहा है ये मेरा फाइव फिंगर क्लॉ आपके सामने हैंड कैम भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग तो टेडियम में खेलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाते हैं आपको कि ऐसा करो ऐसा करो और खुद इंप्लीमेंट करते नहीं है पर मैं जो बेसिकली खेलता हूँ वो फाइव फिंगर क्लॉ खेलता हूँ और आप बोल रहे हो तो आईपैड में खेल रहा है भाई देखो मेरे पास ना दो ही डिवाइस है एक मेरा फोन है और मेरे पास आईपैड है तो अगर मैं आईपैड से तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता था तो मैं इसलिए आईपैड में खेल रहा हूँ और मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और यही जो मैं क्लॉ आपको देने वाला हूँ लास्ट में आपको मैं अपना लेआउट भी देने वाला हूँ फाइव फिंगर क्लॉ का और सेंसिटिविटी कोड भी देने वाला हूँ तो मैं अपने ये आईफोन में भी यही यूज़ करता हूँ और आई में भी यही यूज़ करता हूँ तो बहुत ही सिंपल होने वाला है और मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा गाइज़ अगर आपको फाइव फिंगर क्लॉक खेलना है तो आप कैसे खेल सकते हैं गाइज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइव फिंगर क्लॉक खेल रहे हैं तो आप एकदम ही प्रो बन जाएंगे गाइज आपको पता है कि अपने जॉनथन है वो टू हम से खेलते हैं बेसिक होता है गाइस टू थम से खेलना जब आप गेम स्टार्ट करते हैं तब टू थम का ऑप्शन आता है तब वहाँ से आप टू थम खेलते हैं तो गाइस होता है मास्टर के बारे में आप कैसे उसको मास्टर करेंगे जैसे हमारे जायरो गॉड है वो सिक्स फिंगर खेलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा पुरानी गाइस सिंपल सी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को मास्टर किया हुआ वही आप पे भी इंप्लीमेंट करता है कि आप उस चीज़ को कैसे मास्टर कर सकते हैं तो गाइस देखो फाइव फिंगर क्लॉक खेलने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अभी किस फिंगर क्लॉक पे खेल रहे हैं आप टू पे खेल रहे हैं थ्री पे खेल रहे हैं फोर पे खेल रहे हैं तो अगर देखो धीरे धीरे आदमी बढ़ता है सीढ़ियों के हिसाब से चढ़ता है एक सीढ़ी चढ़ता है दो सीढ़ी चढ़ता है तीन सीढ़ी चढ़ता है तो धीरे धीरे चलना पड़ता है ऐसे नहीं कि आप अभी टू पे चल रहे हैं और एकदम ही आप फाइव पे आ जाएं उसके लिए देखो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पड़ेगी अपना गेम में ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना पड़ेगा बहुत सारे दिन प्रैक्टिस करने पड़ेगी डेली गेम प्ले से पहले आधे घंटे प्रैक्टिस करने पड़ेगी तभी तो आपका फाइव फिंगर क्लॉच चल पाएगा देखो ये होती है मेमोरी की बात आपकी मेमोरी को पता होना चाहिए आपके माइंड को पता होना चाहिए कि कौन सा बटन कहाँ पर है हमारे तो गाइज सबसे पहले मैं आपको अपना क्लॉ दिखाता हूँ फिर करते हैं आगे की बात तो जैसे गाइज आप देख सकते हैं मेरा जो मेरा क्लॉ है वो आपके सामने देखो मैं जो लेफ्ट हैंड से यूज़ करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड से थ्री मतलब वन थम और टू फिंगर यूज करता हूँ मतलब एक से तो मैं करता हूँ अपना नॉर्मल जो हम स्प्रिंट करते हैं हम वॉक करते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ से, सेकंड मैं यूज़ करता हूँ जो आप ऊपर देख सकते हैं वो मेरा स्कोप का बटन है और थर्ड जो मेरी फिंगर होती है वो होती है फायर पर आप, आप हैंड कैम्प में देख लेना उसके बाद बात करते हैं हमारे राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर मेरे पीक के बटन है मेरे रीलोडिंग है या मैं अपना मॉली स्विच करता हूँ ग्रेनेड स्विच करता हूँ स्टन स्विच करता हूँ या फर्स्ट एड वगैरह लगाता हूँ और साथ में मेरा क्राउच प्रोन और जो अपना क्राउच प्रोन और जंप का बटन है वो भी मेरा राइट हैंड साइड पर रहता है और जो बैग्स वगैरह वो, वो भी मेरे राइट हैंड साइड पर रहते हैं वो आप देखना कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ तो सिंपल सा क्लॉ है गाइज़ फाइव फिंगर क्लॉ है लेफ्ट हैंड साइड की मैं टू फिंगर वन थाम और राइट हैंड साइड की मेरी टू फिंगर यूज़ होती है तो चलते हैं अब गेम प्ले में और बताता हूँ आपको कैसे कैसे आपको यूज़ करना है और कैसे आप अपने गेम प्ले में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे अपना इंप्रूव कर सकते हैं गाइज़ क्योंकि पता है आजकल कॉम्पिटेटिव बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं और आपको पता है माइनस सेकंड्स का भी ना कुछ माइनस सेकंड्स का भी एक सेकंड से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है तो गाई अगर आपकी ना पावर आपकी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी ना किसी आपके एनिमी से तो आप ना उसको अच्छे से डिफीट कर पाएंगे ये होता है बेसिकली आपके फाइव फिंगर क्लॉक का क्योंकि आप अगर टू फिंगर से खेल रहे हैं टू थ्री फिंगर से खेल रहे हैं तो आपको रिलोडिंग में कहीं आपको एम स्विच करने में कहीं आपको गन स्विच करने में फायर करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है और उसका बेनिफिट जो है एनिमी को मिल जाता है अगर आप फाइव फिंगर क्लॉक खेलते हैं या फोर फिंगर क्लॉक खेलते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी अपनी जो परफॉर्म कर पाएंगे तो चलते हैं गेम में और मैं आपको आगे की बात समझाता हूँ तो गाइज़ बात आती है कि अब हम फाइव फिंगर कैसे खेल सकते हैं तो गाइज़ आपके सामने मेरा सामने बिल्कुल हैंड कैंप में कर रहा हूँ आपके सामने आपको सब कुछ दिख रहा है कि मैं फाइव फिंगर खेल रहा हूँ बहुत इजीली और अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मास्टर कर चुका हूँ और मेरे को कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती अच्छे से क्लचेज हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव खेल लेता हूँ नॉर्मल क्लासिक खेल लेता हूँ टी में तो पूछो ही मत कि स्किल्स कितने हाई रहते हैं मेरे तो गाइज ये सब होता है कि आप कैसे मास्टर करते हैं और आपकी मेमोरी आपको कैसे मतलब एडजस्ट करनी है उस हिसाब से तो गाइज देखो सबसे पहले जो आपको मैं क्लॉ देने वाला हूँ जो सेंसिटिविटी कोड देने वाला हूँ और जो मैं आपको क्लॉ देने वाला हूँ फाइव फिंगर क्लॉ का वो आपको अपने कॉपी पेस्ट कर लेना है आपके BGMI में क्योंकि मैं आपको BGMI का देने वाला हूं तो आप BGMI में कॉपी कर लेना अब बात आती है कि प्रैक्टिस की गाइज देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ना आपको उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा एक भी स्टेप ना बिल्कुल ऐसा मत करना कि आप फॉलो ना करें फिर बाद में ये होगा कि आप बोलोगे कि ऐसा बताया कि समझ ही नहीं आया तो देखो गाइज जैसे आप ने आपको कॉपी पेस्ट कर लिया सेंसिटिविटी कोड वगैरह सब कुछ कॉपी कर लिया अब आप, आप हो गए ओके okay, रेडी अब आपको क्या करना है गाइज ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके आपको देखना है कि आपकी मेमोरी को देखो एक दिन में तो आप बिल्कुल भी मास्टर नहीं कर पाओगे हाँ कर लोगे थोड़ा बहुत पर आपको धीरे धीरे जैसे आप गेम खेलते रहोगे ना तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि फाइव फिंगर क्लॉक कैसे खेलना है तो गाइज क्या करना है आपको ट्रेनिंग ग्राउंड जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में रोज़ प्रैक्टिस करनी कम से कम आधे घंटे अपने फाइव फिंगर क्लॉक की और गाइस जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपका ना मेमोरी को पता चल जाएगा आपकी मेमोरी मेमोराइज कर लेगी कि कौन से बटन कहां पर है और आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा फिर गाइज देखो स्टार्टिंग में जब आप खेलोगे ना आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आप एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा आपको क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मैं आपके जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ ना वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक टाइम पे आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप बोलोगे नहीं भाई मेरा जो टू टू टूथ से खेल रहा था या थ्री फिंगर था या फोर फिंगर था मैं उसी से खेल लूँगा मेरे को फाइव फिंगर में नहीं जाना पर गाइज ऐसा नहीं है देखो जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला गाइज तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस करते रहना है प्रैक्टिस करते रहना है सेंसिटिविटी कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा साथ में आपको फाइव फिंगर क्लॉक का भी मेरा कोड मिल जाएगा वो भी आप अपने में कॉपी पेस्ट कर लेना हा मैं आपको आईफोन और आईपैड दोनों का दे दूंगा ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मेक श्योर sure इसको अपने कु... में गेम में इंप्लीमेंट करना इसको कॉपी पेस्ट कर लेना और गाइज उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है गाइज सिंपल सा है देखो मैं अभी आपके सामने खेल रहा हूँ मेरे को सच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और मैं आने वाले टाइम में आपको कॉम्पिटेटिव का भी हैंड कैम ला के दिखाऊंगा कि, कि कितना ईजी रहता है कॉम्पिटेटिव में जब आप फाइव फिंगर क्लॉक खेलते हैं तो कितना ईजी हो जाता है आपके माइंड को समझना और आप एनिमी को बहुत अच्छे से डिफीट करते रहते हैं तो गाइज़ मेक श्योर मेक श्योर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो आपको अगर परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करते रहना और इतना कोई हार्ड नहीं है फाइव फिंगर खेलना बस इस चीज़ को ध्यान रखना धीरे धीरे ही होगा सब कुछ एकदम कुछ नहीं होने वाला तो गाइज आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो बस जो मैंने आपको बताया आप उस चीज़ को फॉलो करना मैं आपको कोड दे रहा हूँ आप उसको डाल लेना और अच्छे से ट्रेनिंग ग्राउंड में रोज़ प्रैक्टिस करना जो मैं आपको बता रहा हूँ आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो में ही देखो मैं आपको एक क्लच दिखाने वाला हूँ बड़ा इंटेंस क्लच है तो उस वीडियो को सॉरी उस क्लच को भी देखते जाओ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में